हेलो स्टूडेंट्स माई सेल ज्योति मैम यू आर मैथ्स टीचर एंड टुडे वी आर स्टार्टेड चैप्टर फिफ्थ प्लेइंग विथ नंबर्स ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथ्स का तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर किसी भी नंबर को हम जर्नलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो वो है द डिज़िट ज़ीरो टू नाइन फ्रॉम द टेन स्मॉलेस्ट होल नंबर्स ज़ीरो टू नाइन सबसे छोटे स्मॉलेस्ट टेन टोटल टेन डिजिट होती हैं सबसे छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर होते हैं एनी अदर होल नंबर कैन बी रिटर्न बाय यूजिंग दीज टेन डिजिट और जितने भी होल नंबर्स अगर हमें लिखने हैं अदर जो होल नंबर्स हम लिखते हैं वो इन्हीं टेन डिजिट को जीरो टू नाइन जो टेन डिजिट है इनको यूज़ करके लिखते हैं एंड द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के आइडिया से प्लेस वैल्यू मीन्स वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड समथिंग इस तरह से नंबर हमारे पास जर्नलाइज फॉर्म क्या होती है ए नंबर इज़ कंसिडर्ड टू बी इन जर्नलाइज फॉर्म किसी भी नंबर को अगर जर्नलाइज फॉर्म में लिखना है इफ़ इट इज़ रिटर्न एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू उनका सम और प्रोडक्ट किसके साथ उनकी प्लेस वैल्यू के साथ हमें लिखना होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने टू डिजिट नंबर लिया ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट को हमने जर्नलाइज फॉर्म में लिखना है ट्वेंटी एट किसके इक्वल है ट्वेंटी प्लस एट अब टू हमारे पास देखो एट यहाँ पर किस प्लेस पर है वंस प्लेस पर है एंड टू टेंस प्लेस पर है तो हमें सम और प्रोडक्ट लिखना है उनको विद रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू तो ट्वेंटी को हम क्या लिख सकते हैं टेन इंटू टू क्योंकि टू हमारे पास टेंस प्लेस पर है टेंस प्लेस का मतलब टेन तो टू का प्रोडक्ट टेन के साथ प्लस में वंस प्लेस पर वैल्यू क्या है एट है देन प्लस एट ये इसकी क्या होगी गई जर्नलाइज फॉर्म ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं थ्री डिजिट का थ्री डिजिट में नंबर हमने लिया थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री हंड्रेड प्लस एटी प्लस फोर अब देखो यहाँ पर फोर वंस प्लेस पर एट टें प्लेस पर और थ्री हंड्रेड प्लेस पर इट मीन्स थ्री किसके साथ इंटू होगा हंड्रेड क्योंकि थ्री हंड्रेड प्लेस पर है एट किस प्लेस पर है टेंस पर एन एट मल्टीप्लाई बाय टेन प्लस में फोर ये थ्री डिजिट नंबर की क्या होगी जनरलाइज्ड फॉर्म क्लियर तो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म टू डिजिट नंबर एंड थ्री डिजिट नंबर लिया जर्नलाइज फॉर्म होती क्या है ए जर्नलाइज फॉर्म रिटर्न विद और प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट लिखना है किसके रिस्पेक्ट में विद देयर प्लेस वैल्यू की प्लेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर के अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया टेन इंटू फोर प्लस नाइन देन टेन इंटू फोर फोर किसके साथ मल्टीप्लाई है टेन के साथ और टेन 10 मतलब टेंस प्लेस इसका मतलब फोर टेंस प्लेस पर होना चाहिए और नाइन वंस प्लेस पर टेन इंटू फोर फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन यही हमारे पास नाइन वंस प्लेस पर है नाइन वंस प्लेस पर है और फोर किस पर है टेंस प्लेस पर हमारे पास ऐसे ही थ्री डिजिट का देखते हैं हंड्रेड इंटू सिक्स प्लस टेन इंटू सेवन प्लस फाइव अब सिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई है हंड्रेड के साथ हंड्रेड प्लेस पर इसका मतलब सिक्स कहाँ पर होगा हंड्रेड प्लेस पर सेवन मल्टीप्लाई then टेन देन सेवन इज and प्लेस एंड फाइव वंस प्लेस इंटू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड टेन इंटू सेवन सेवेंटी प्लस फाइव इन सबको प्लस करेंगे हमारे पास आ गया सिक्स हंड्रेड सेवनटी फाइव तो फाइव वंस सेवन टेन एंड सिक्स हंड्रेड प्लेस पर ये हमें क्या है से जनरल सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी नेक्स्ट हम स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं इस तरह से क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज नाइन कोई भी टू डिजिट नंबर है उसका सम हमारे पास नाइन गिवन है इफ द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट अगर हम जो भी नंबर मिला है हमें उसका हम इंटरचेंज कर दें ऑर्डर को इंटरचेंज द ऑर्डर इज डिजिट इज ट्वेंटी सेवन मोर देन ओरिजिनल नंबर इंटरचेंज करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर से ट्वेंटी सेवन ज़्यादा होगा देन फाइंड द नंबर्स अब टू डिजिट नंबर हमारे पास तो एक नंबर वंस प्लेस पर होगा और एक टेंस प्लेस पर होगा दो डिजिट में तो यही होते हैं तो सबसे फर्स्ट हम इस टाइप के क्वेश्चन में लेके चलेंगे लेट टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स टेंथ प्लेस पर हमने डिजिट क्या ली एक्स ली एंड वंस प्लेस पर डिजिट हमने क्या ली एक्स और वंस प्लेस पर वाई इसका नंबर क्या होगा एक्स वाई प्लेस पर वाई एंड प्लेस पर एक्स तो नंबर क्या हो गया टेन एक्स प्लस वाई क्योंकि इसको जब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे कोई भी टू डिजिट नंबर होगा उसको जनरलाइज्ड फॉर्म इस तरह से लिखेंगे टेन एक्स प्लस वाई अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं ऑर्डर मीन्स वन्स प्लेस की जगह टेंस प्लेस आ जाएगा टेंस प्लेस की जगह वंस प्लेस आ जाएगा तो ऑर्डर चेंज करने के बाद न्यू नंबर क्या बनेगा टेन वाई प्लस एक्स क्लियर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज नाइन दो डिजिट नंबर्स का सम कितना है नाइन है यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे नाइन माइनस एक्स इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कंडीशन है इफ द नंबर ऑबटेन बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज ट्वेंटी सेवन मोर देन द ओरिजिनल नंबर अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर्स का टेन वाई प्लस एक्स ऑर्डर चेंज करने के बाद तो वो ट्वेंटी सेवन मोर देन ओरिजिनल नंबर वो ओरिजिनल नंबर हमारा टेन एक्स प्लस वाई था उससे ट्वेंटी सेवन मोर देन ज़्यादा है तो ऐड करेंगे और लेस देन होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सब अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे टेन वाई प्लस एक्स ये इधर आके माइनस टेन एक्स माइनस में y इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन टेन वाई माइनस वाई नाइन वाई सॉरी यहाँ पे टेन एक्स है x माइनस टेन एक्स माइनस का नाइन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन अब देखो इसको कंप्लीट को हम नाइन से डिवाइड कर सकते हैं या हम कह सकते हैं नाइन कॉमन है कंप्लीट में से देन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू में थ्री देन वाई इक्वल्स टू में थ्री प्लस एक्स इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी वाई इक्वल्स टू नाइन माइनस फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी चेक कर दें एक बार नाइन माइनस एक्स ये इक्वेशन फर्स्ट थी अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल है वाई के इक्वल इसका मतलब राइट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी थ्री प्लस एक्स इक्वल्स टू नाइन माइनस एक्स एक्स ये माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री टू एक्स इजिकल टू सिक्स तो हमारे पास कितना आ गया एक्स इजिकल टू सिक्स बाई टू टू थ्री जा सिक्स एक्स की वैल्यू थ्री आ गई हमारे पास पुट इन इक्वेशन अब हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी सेकंड में पुट करते हैं देन y इक्वल्स टू थ्री प्लस एक्स है सेकंड इक्वेशन एंड y इक्वल्स टू थ्री प्लस एक्स की वैल्यू क्या है थ्री तो y इक्वल्स टू कितना आ गया सिक्स x इक्वल्स टू थ्री एंड y इक्वल्स टू सिक्स नंबर क्या होगा हमारे पास ओरिजिनल जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमने क्या लिया था x को टेंस प्लेस पर और y को वंस प्लेस पर तो x की वैल्यू कितनी आई है थ्री एंड y सिक्स तो आंसर विल बी थर्टी सिक्स क्लियर एंड नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन जर्नलाइज फॉर्म इन सभी को जर्नलाइज फॉर्म करना है सेकेंड है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड थर्ड क्वेश्चन आपका एज इट इज जो क्वेश्चन हमने अभी कराया है स्टेटमेंट का इस तरह से करना है ओके थैंक यू